अरे रुक जा। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी पतिदेव। थैंक यू माय स्वीटहार्ट। थैंक यू, मेरा अकेले का एंगेजमेंट है क्या? तुम्हारे अकेले की एंगेजमेंट है ना? थैंक यू। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कहानी सुनाएंगे। तो गाइस, आज हमारी एंगेजमेंट को 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 6 ईयर मतलब 6 साल से मैं तुम्हें, तुम मुझे झेल रहे हो। 6 साल ही हुआ बस, मुझे तो 600 साल लग रहा है। तो आज ये बताओ पहले, आज कुछ स्पेशल है? आज स्पेशल है तुम्हारे लिए। क्या? वो बताऊंगा थोड़ी। क्या बताऊंगा थोड़ी, चलो ठीक है, हो सकता है मेरे को सरप्राइज हो। मैंने सरप्राइज देती रहती हूँ, हो सकता है आज मेरे को सरप्राइज है। क्या? और नहीं हुआ तो? क्या कह रहे हो चीकू, तुम क्या कह रहे हो? चीकू सरप्राइज नहीं हुआ तो? सरप्राइज सरप्राइज नहीं हुआ तो? मम्मा के लिए क्या सरप्राइज है? कुछ है मम्मी पापा के लिए सरप्राइज? अच्छा दिखा दो, कल क्या लेके आए थे दिखा दो। अच्छा कल क्या लेके आए? दिखा दो, खड़े होकर दिखाओ, उठ के दिखाओ। चल लेट के दिखाना, दो नहीं नहीं दिखाने दो, उसे सही से दिखाएगा। हाँ दिखाओ, क्या लेके आए थे? देखो नूनू ट्रैक्टर ले ली। अच्छा नूनू ट्रैक्टर ले ली, देखो सही से दिखाओ। ब्लू कलर की चीकू ने कल नूनू ट्रैक्टर लिया। गाइस कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए, इसका हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न्यू टॉय आता है, तो इसने ही सबसे ज्यादा पैसे की बर्बादी करी है। गाइस आप सभी को पता है आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, तो सोचते हैं कि चलो सोनी के साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं। और वो अभी चीकू तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? चीकू पेन लाई है। चीकू तुम पेन ला, पेन चीकू पेन लाया है, लाई नहीं है, लाया है। लाता है। हाँ लाया है। और मम्मी उस रूम में क्या कर रही है? चुपचाप देख क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है? मम्मी मम्मी फोन चला रही है क्या? फोन चलाई। चलो इनके साथ एक गेम खेलते हैं, छोटा सा गेम खेलते हैं। बेटा मार कर है क्या? पेन नहीं दे दे बेटा, पेन तुम तो दोगे नहीं, पेन दे दोगे? अच्छा तुम चीकू को पेन नहीं देगा मुझे शायद, तो मैं इसमें से एक मार्कर निकाल लेता हूँ। मार्कर एक मार्कर निकाल लेता हूँ। चीकू तो अभी घर बता ही नहीं पाएगा मम्मी को। और गाइस यहाँ रखते हैं अपना कैमरा। और भाई गाइस फोन गिर चुका था अभी, और देखें कहीं टूटा तो नहीं, पहले चेक कर लेते हैं कहीं स्क्रीन टूटी या कुछ। मम्मी चीख जाती फोन गिर गया, बताना नहीं फोन गिरा था। तो अभी फ़ोन को रखते टाइम फ़ोन सोनी का गिर गया था ऊपर से नीचे, लेकिन फ़िलहाल फ़ोन में कुछ हुआ नहीं है। तो गेम कुछ इस तरह से है, चुप जा बेटा चुप जा। हाँ तो मैं भी दिलाऊंगा, रुक जाओ। हाँ मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी फिंगर्स पर लिखा है, बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा। तो मैंने एक फिंगर पर अपनी लिखा है डिनर और एक पे शॉपिंग, और सोनी से चूज़ करने के लिए बोलेंगे कि एक फिंगर पकड़ो, तो उसको शॉपिंग या डिनर में से एक चीज़ कराएंगे। एक काम और करते हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और कर देते हैं। मैंने डिनर शॉपिंग के बाद एक पर डिनर और शॉपिंग भी लिख दिया है। अब देखते हैं उन तीन उंगलियों में से सोनी कौन सी चूज़ करती है। जल्दी चीकू चलो मम्मा पास, चलो जल्दी आओ, फटाफट आओ, भाग के आओ, जल्दी आओ, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मार्कर बंद करो, मार्कर पेन मार्कर चला दो, मार्कर कट मार्कर लाओ मुझे, मार्कर बंद करो, पेन बंद करो। चलो 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 सोनी क्या कर रही हो? मोबाइल चला रही हूँ।
चूज करो क्या लाए हो? चूज करो सरप्राइज ले लिए चूज करो पता नहीं क्या है मेरी किस्म वो क्या कहते हैं चीकू दबा रहा हूं क्या तुमने कौन सी पकड़ी बीच वाली दिखाओ ना क्या शॉपिंग शॉपिंग कराओगे चलो आज तुम्हारी शॉपिंग कराएंगे शॉपिंग कराओगे अरे चलो मम्मा को आज शॉपिंग कराएंगे और क्या दिखाना तुम्हारे लिए अब ये है हाँ ना अरे दिखाओ तो डिनर मक किसी का इंटरेस्ट ना था डिनर प्लस शॉपिंग अरे यार ये पकड़ती तो ज्यादा सही रहते तीसरा होता तो तुम्हें ज्यादा मैंने फिटते बट आज तुम्हें सिर्फ शॉपिंग कराऊंगा चलो मैं तो इसी में खुश हूँ डिनर तो मैं कभी भी कर लूंगी ये क्या दिलाने वाले हैं कुछ तो सोचा होगा आज मम्मा को क्या दिलाएंगे पेन चलाया चीकू पेन चलाया क्या पेन चला ओ चीकू नो पेन चला रहा है पेन लेना पड़ेगा गंदा बच्चा बेटा वैसे लाइट कलर की कर रहा पेन चला रहा है मैंने चलो शॉपिंग में देखते हैं चलो मार्केट चलेंगे देखते हैं क्या दिलाएंगे एक ड्रेस ले लेना चीकू चलो इधर लाओ पेन दे दो चीकू ऐसा कर दे इनकी तरह गुस्सा कर दे ऐसे नाक सड़ा दे अभी नाक सड़वाओ नाक सड़वाओ बहुत बड़ी नाक चढ़ाता है वो करेगा ना अभी दो मिनट में कह दूंगा रूम से बाहर निकलो मेरे चलो यहाँ से निकलो यहाँ से रूम से बाहर नहीं बाहर नहीं निकलना निकलो रूम से बाहर मेरे जैसी बुलाई जैसी बुलाई जैसी बुला के मुंह सड़ा के जा रहा है मुंह सड़ा के चीकू मुंह सड़ा दे चलो निकलो यहां से पापा की तरफ मुंह सड़ा दे अरे मुंह सड़ा दे पापा की तरफ यार ऐसा कर दे ऐसे सॉरी बोल रहा है चीकू पापा से बोल दो सॉरी बेटा मेरी माँ गाइस मैं बना रही हूँ अभी सिकंजी और चीनी घोल रही हूँ सबसे देर वाला काम गर्मी में बड़ा बेकार लगता है मुझे चीनी घोलना लेकिन मोहित को ठंडी ठंडी सिकंजी पीनी थी बना ही देती हूँ गाइस सिकंजी भी बन चुकी है हमारी ठंडी ठंडी और सिर्फ सिंपल वाली बनाई है मैंने आज मोहित ने कहा था कि इसमें मसाला वसाला मत डालना तो बिल्कुल नींबू और चीनी का पानी है ये बर्फ़ यहाँ भी गिर गई चलो इसको भी डाल देती हूँ चीनी नहीं बनाई क्या ये पीता है नहीं चीकू का जूस मम्मा के मैं ही पीते अच्छी लग रही है ना बिना नमक की पी ले वो भी करेगा वो भी कर रहा है खाना पीने में तो तुम्हारा जवाब नहीं देखो वैसे तुम्हारा जवाब है मैं भी खेला खोल रही हूं तो ताकि बिग बॉस की तरफ चली जाऊं बड़ा पाव वाली की तरह देखो मैं है ना ये मुझे नहीं पीने देगा गाइस पति के सरप्राइज के अनुसार मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल तैयार मार्केट जाने के लिए और देखते हैं क्या दिला के लाते हैं आज अब जल्दी तैयार हो जाओ बिना लिए तो फिर मैं अब आऊँगी नहीं जब कहा है तो क्योंकि मेरा अच्छा खासा डिनर डेट चली गई आज हाथ से तो उसके बदले कुछ तो जब मैंने थोड़ा सेक्रीफाइस दिया तो वरना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके आज मैं पक्का डिनर करके आती है ना अब चीकू भी बिल्कुल रेडी हो गया है न्यू कपड़े पहन के कहाँ से लाए थे आप
मॉल से लाए थे, और इनकी ये देखिए ट्रेन बन गई है, ट्रेन चला रहे हैं अपनी बैठे बैठे। देखो मॉल से लाए, कहाँ जा रहा है यार, रेड कलर की शर्ट पहन के। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने या अपना बटुआ खाली करने? बटुआ खाली करने, अपने प्यार को खुश करने। ओह माय गॉड, सबसे पहले मैं पहुंच गई थी साड़ी देखने के लिए, क्योंकि मोहित ने कहा था कोई ड्रेस ले लो। मैंने सोचा ड्रेस कहाँ, साड़ी मेरे काम में भी आ जाएगी, क्योंकि अब करवा चौथ, तीज वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, ऊपर से घर में दो दो शादियां हैं, तो मैंने सोचा साड़ी ही देख लेते हैं। अगर साड़ी नहीं पसंद आई तो फिर देख लूँगी कोई सूट वगैरह देख लूँगी, जब मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही होता है ऐसा, कभी कभी पति देव का मूड बनता है कि चलो कुछ ले लो। तो मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, मेरे समझ में नहीं आ रही थी, फिर हमने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एक दो मैंने ट्राई भी करी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जैसी मैं सोच रही थी, सोचा तो मैंने, खैर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं देखती रहती हूँ इंस्टाग्राम पर भी, मतलब कैसी साड़ियाँ चल रही हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। फिर हम दूसरी शॉप पे गए थे, वहाँ भी मैंने ट्राई की, ये वाली साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, इसका कलर वाइन सा कलर था, तो मुझे कुछ ऐसा ही कलर लेना था, तो अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बिल्कुल ही प्लेन थी, तो मैंने कहा यार बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। फिर मैंने एक और साड़ी ट्राई करी थी, ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट इसका कपड़ा कॉटन टाइप का था, तो मैंने कहा पता नहीं पार्टी वियर रहेगी या नहीं। फिर नेक्स्ट हम तीसरी शॉप पे गए थे, तो गाइस फाइनली सोनी को एक आध साड़ी पसंद आ रही है और शायद हम 8 बजे वाला मैच देख पाएं। अपने मैच के चक्कर में कर रहे हो तुम, जल्दी ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इंडिया का मैच है बांग्लादेश, दिखाना। ये कपड़ा बहुत आ रहा है, हाँ यार बता दो जरा कौन सी। ठीक है और ये इतनी छोटी सी नहीं है, ये ब्लाउज पीस है, साड़ी कल मिलेगी तैयार होकर, बहुरानी वालों के यहाँ से लिए, मैंने बहुत ही प्यारी सी साड़ी, दिखाऊंगी पहनने के बाद, जब तैयार होकर पहनूंगी तब दिखाऊंगी। थैंक यू। सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, और डोसा खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था, हेल्दी फूड घर पे, घर कल खाई है जलेबी, आज खाने आई हूँ हेल्दी फूड, तो बस वही ऑर्डर किया है। मैंने सोचा खाने का टाइम, आई मीन डिनर टाइम हो ही गया है, 7:30 बज रहा है, तो खा के चलते हैं, अब घर पर कौन बनाएगा इतनी गर्मी में। और चीकू तो बस आते ही उसको आइसक्रीम खानी है, तो उसके पापा आइसक्रीम ले रहे हैं, आइसक्रीम लेने गए हैं पापा, ला तो रहे हैं पापा आइसक्रीम तुम्हारे लिए। और गाइस मेरी साड़ी फाइनल हो गई है, ले ली मैंने साड़ी, पहले 2-3 शॉप पे देखी थी, समझ में ही नहीं आई, मुझे लगा शायद आज नहीं मिल पाएगी, मेरा लक नहीं है, बट मेरा लक था तो मुझे आज साड़ी मिल गई, और अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, जैसी मैं चाह रही थी, बहुत लाइट वेट है, अच्छी लग रही है। तो बाकी दिखाऊंगी आपको, अभी तो तैयार होने के लिए उन्होंने रख दिया, कल मिलेगी, सिर्फ ब्लाउज पीस ही मिला है, तो बस। कौन सी ले रहे हो हैं? ले आए आइसक्रीम चीकू, पापा छीनो, कौन सी लाए हो, ये ऑरेंज, अच्छा मैंगो, मेरे पास आ गया, वही होगा, यही बैठा रहने दो ना। हेलो की आइसक्रीम, मैं खा के देखूं। तो आज की फरमाइश बताओ, आज क्या खाओगी? डोसा टिक्की, देखो टिक्की खाओ, छोला भटूरा देख सकते हो, छोला भटूरा खाओ, देख लो क्या खाओगे, आवाज पहुंच रही है मेरी, पता नहीं हो रहा है ना, तुम्हारी आवाज़ बहुत तेज है, सब जगह पहुंचती है, वो गाना ही तेज है, वैसे नहीं है तेज, सबको बताया ना कितने हल्के बोलते हैं, देख लो डोसा तो मंगा ही लो, बाकी देख, ठीक है। वाह आ गया हमारा डोसा, एक मिनट, ओ सामर की बोल देना, चलो आ रहे हैं, अभी भटूरे लेने गए हैं, सभी आ रहे हैं, चीकू गिराना नहीं बेटा, ताता है।
एंड गाइस ये आ गए पूरे पूरे भटूरे। ये क्या गाइस, मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। टोस्टी के लिए मैं आम छील रही थी क्योंकि हम लोग बाहर ही खाया थे तो उससे पेट भर गया था, तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक ही बना ले रही हूँ। एक उधर मैच में बिजी है, एक उधर टीवी में बिजी है, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो क्या ना मैंगो शेक ही बना के पी लेते हैं। गर्मी में ठंडा ठंडा मैंगो शेक, गर्मियों में ना यही रहता है। कभी मैंगो शेक आज से सिकंजी भी पी थी यार, सच में इतनी चीनी जा रही है ना मेरे तो पता ना कैसे ही मैं तो वेट लूज करूँगी, ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए कितने मजे से मैच देखा जा रहा है। लो मैंगो शेक, थैंक यू सो मच। तो मजे से मैच देख रहे हैं, मैं लेके आ रही हूँ अपना। इतना ही मीठा पियो बस, ज़्यादा चीनी मत पिया करो। कितना मीठा पियोगे, जहर मीठा पियोगे? अच्छा ये करवा लो। कलेजे को ठंडक मिल जाती है गर्मी में, अगर ठंडी ठंडी चीज़ मिल जाए तो। वैसे आज गाइस मैं बड़ी फ़ायदे में रही, शायद कूलर की आवाज़ आ रही हुई, कूलर बंद कर दे थोड़ा। हाँ अब ठीक है, अब आवाज़ आई, अपने मैच की आवाज़ नहीं करो थोड़ा। आज वैसे मैं बड़ी फ़ायदे में रही ना, देखो मुझे साड़ी भी मिल गई है और मैं बाहर भी खाया है। वैसे वो बीच वाली जो मैंने उंगली पकड़ी थी वो गलत पकड़ी, काम हुआ था जो तीसरी उंगली का हुआ था। कितने बिजी है यार मैच में यार। मतलब मैं बोर हो रही हूँ, वो उधर टीवी देखने में मस्त है अपना, देखो मजे से मिल गया मैंगो शेक पी लिया, ऐसे ही है। तो गाइस मजे आ गए आज का दिन, भले ही हमने वैसे सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन मेरे मजे आ गए। मुझे एक साड़ी मिल गई प्लस डोसा मिल गया पेट भर के खाने को। ओ भाई साहब मेरा भी ले रहे हैं, ये देखो फ़ायदा उठा रहा है, ब्लॉग बना रही हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग तो हम यहीं पर एंड करते हैं, वैसे कोई काम नहीं है अब, हम ये तो मैच ही देखेंगे, मैं तो आराम करूँगी अब, देखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी। अब तक तुम्हारे लिए क्या करूँगी, अपने आप करना अपने लिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो बिजी आत्मा। अच्छा मुझसे कह रही है, हेलो गाइस, हाय बाय बाय बाय।